नॉक नॉक हे कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस भैया, कैसे हैं आप लोग भैया? ये तो मेरा पूछने का बात तो है नहीं, आप लोग जानते हो कि कैसे हो आप लोग भैया, हम लोग कैसे हैं। और तो भैया भगवान ही जाने हम कितने ही खुश हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ऑलरेडी फाइनल में बैठी हुई है, अभी तक यहाँ पर वेट करना पड़ रहा है। मुझे तो और रहा नहीं जाता यार, मुझे लग रहा है अभी जाए खेले और कप लेके आए, यही मुझे लग रहा है। तो अभी भी आप लोग देख रहे हैं कि एलिमिनेट सॉरी यहाँ पर क्वालिफाइड टू तो भैया आज ही है, राजस्थान वर्सेस हैदराबाद का। तो भैया क्या ही कंटेंट डाले भैया, ऑलरेडी जो जीतेगा उसको लेके तो विनिंग स्ट्रेटेजी स्टॉप स्ट्रेटेजी उसके खिलाफ ही तो डालेंगे ना। तो थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे मैच को लेकर और थोड़ा आग जलाएंगे कोलकाता नाइट राइडर्स के ऊपर, जो जो ट्रोल करते थे वो मत करिए ऐसा वैसा कुछ बोलेंगे और मतलब कंटिन्यू करते रहेंगे। हर रोज वीडियो जरूर आता रहेगा भैया कॉन्टेंट, वो जहाँ से वो यहाँ पर खोज के लाएंगे एकदम से, वो आपको चिंता के बात कोई नहीं है। बस कोलकाता नाइट राइडर्स के भक्त हो तो भैया एक लाइक जरूर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए भैया, ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन। वेलकम टू कोलकाता नाइट राइडर्स। तो ऑलरेडी सनराइजर्स हैदराबाद को ये बोल के तो एकदम गेट आउट कर दिया, वेलकम बोल के मार के गेट आउट कर दिया एकदम से। क्या ही फॉर्म में दिख रही है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, बस एक ही मैच बाकी है फाइनल के। सब भैया उत्तेजना में यहाँ पर बहुत एक्साइटेड हैं और क्या ही वीडियो देखे हुए आप लोग, यहाँ पर एक्साइटेड का मतलब मोमेंट ही अलग है। अभी तो भैया कोलकाता के खेमे में, कोलकाता नाइट राइडर्स के खेमे में सब यहाँ पर उत्फुल्ल हैं। और मिचेल स्टार्क बोल रहे हैं मैंने बोला था ना मैं बड़ा मंच का प्लेयर हूँ। सैज अय्यर बोल रहे हैं हाँ कितना ट्रोल करने वाले मुझे, हाँ भैयो कितना ट्रोल कर लिया अब तो मुझको विश्वास करो। रिंकू सिंह बोल रहे हैं मैक्सवेल का बैट दे दिया क्या, रन नहीं बन रहा है, रन नहीं बन रहा है, मैक्सवेल का बैट दे दिया विराट भाई ने सर। नारिन बोल रहे हैं सनी मैन हमें तो एक बार बैट में आने दीजिए, हम बोलते हैं इनिंग्स किसको बोलते हैं। रहमानुल्ला गुरुवास बोल रहे हैं हाँ जानी हमारे पास 30 रनों का पारी कैसा लगा, अब तो और बहुत बड़ी पारी आ रही है फाइनल में। मैं आशा करूंगा कि रिंकू सिंह भी चले फाइनल में, ये चल गए तो ऑलरेडी कोलकाता के सब प्लेयर चल जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि सैज अय्यर नहीं चल रहे थे वो चले, मिचेल स्टार्क उतना बढ़िया फॉर्म में थे वो आए, अभी रिंकू सिंह की बारी वो आएंगे तो एकदम प्रॉपर कोलकाता का एकदम फाइनल में जीत के ले जाएंगे और प्रॉपर कोलकाता का ये प्लेइंग 11 भी कहलाएगा। और 2025 में मेगा ऑक्शन होने वाला है, मेगा ऑक्शन होने वाला, वहां पर बोले थे ना रोहित शर्मा का कुछ अपडेट था, मुझे नहीं लगता अभी तो भैया शांत है थोड़ा बहुत, तो मामला शांत है तो अभी रोहित को लेकर उतना बड़ा कुछ अपडेट है नहीं, तो जब रियल अपडेट आएगा अवश्य एकदम फर्स्ट आप लोगों को ही परेशान, ये दिक्कत नहीं है। होगा कहाँ मैच एम ए चिदम्बरम थोड़ा लकी मैच है, मतलब लकी मैदान है हमारे लिए, वो तो भैया हिस्ट्री आप लोग जानते ही हैं, मैं कहूँगा नहीं क्या हिस्ट्री है, आप लोग ही गेस करिए कमेंट में, आप लोग ही बोलिए, आप लोग तो ऑलरेडी है कोलकाता नाइट के फैंस तो जानते ही होंगे मैदान की हिस्ट्री। तो ऑलरेडी भाई एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेपॉक के इस मैदान में होने वाला है कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस होम, किसके साथ होने वाला है, आप लोग किसके साथ देखना चाहते हो वो कमेंट करके बताओ। अभी राजस्थान सनराइजर्स हैदराबाद को एक मैच हरा दिया कोलकाता नाइट राइडर्स ने, मुंह बंद कर दिया एकदम। राजस्थान रॉयल्स को वो पुराना वाला हिसाब किताब करना बाकी है, तो मुझे लगता है वही राजस्थान रॉयल्स को ही आना चाहिए, तो उनका भी हिसाब किताब हो जाएगा और फाइनल भी ले लेंगे, दो एक साथ हो जाएगा। मिचेल स्टार्क भी बोलेंगे हाँ जॉस बटलर आई है अभी पिट के हमको दिखाई है, जॉस बटलर तो ऐसे भी नहीं है, तो राजस्थान रॉयल्स को कौन संभालते हैं हम देखेंगे, मिचेल स्टार्क भी देखेंगे कोलकाता को ऐसे संभालेंगे कि भैया ऑलरेडी राजस्थान का रॉयल्स ही हट जाएगा और कोलकाता नाइट्स सनलाइट दिखा देंगे एकदम राजस्थान के ऊपर एकदम से एकदम। चिंता का विषय एकदम नहीं है, चिंता बिल्कुल मत करिए, डिप्रेस्ड मत होइए, केकेआर का मैच देखिए, डिप्रेशन से बाहर आइए, पढ़ाई वढ़ाई बाद में होगा, पहले कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच काम वाम बाद में होगा, पहले कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच एक ही तो मैच है, उसके बाद पढ़ाई कर लेना, उसके बाद काम वाम कर लेना, पहले कोलकाता मैच को प्रायोरिटी दीजिए। कुछ भी हो जाए, समुंदर आए, बाढ़ आए, यहाँ पर भूचाल आए, कुछ भी आए, कोलकाता का मैच इज इम्पोर्टेंट, ऑलवेज इम्पोर्टेंट। तो चलिए ऑलरेडी भैया क्या ही बोले और टॉपिक क्या है भैया, वही रहमानुल्लाह गुरुवाज और सुनील नारायण ओपन करेंगे और तो कुछ टीम में चेंजेस तो दिखेगा नहीं, वो तो आप लोग भी जानते हैं हम भी जानते हैं। क्या ही भैया यहाँ पर फैलाना धमकाना है, यहाँ पर गुजब, यहाँ पर मिथ क्या ही फैलाना है आप लोगों के सामने, गलत वलत बोलेंगे नहीं एकदम, क्या झूठ बोल के एकदम व्यूज ले लिया ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बस रियल अपडेट मिलेगा इसके बाद वाले वीडियो से एकदम मिलेगा स्टॉप स्ट्रेटजीज विनिंग स्ट्रेटजीज, क्योंकि अभी तो कोई जीता नहीं है ना, जो जीतेगा उसके खिलाफ ही तो बोलना है ना, तो उसके आगे चलिए कर दीजिए लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी जल्दी कीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।